नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे रायपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, जहां कोंडागांव के लिए अमित शाह रवाना हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का दौरा, कोंडागांव और जांजगीर चांपा से करेंगे चुनावी शंखनाद। क्लस्टर की बैठक में होंगे शामिल। बस्तर कांकेर और महासमुंद क्लस्टर की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी उमाथुर भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के मिशन 11 पर होगा मंथन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। कोंडागांव के लिए अमित शाह हुए रवाना। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का यह दौरा है। और ये देखिए स्वागत की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहां पर गर्वजोशी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए सीएम साय नजर आए। और साथ ही कैबिनेट के और भी कुछ नए बड़े चेहरे आपको यहां पर स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। और आज कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी। बैठक हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन लोकसभा 11 की 11 सीटें जीतने का है। गांव में जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनका बैठक लेंगे, उसके बाद जांजगीर का उनका दूसरा कार्यक्रम है। जांजगीर में आम सभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्साह का संचार करेंगे। माननीय ने विश्वास करिए 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। तो आप ये देखिए कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हिस्सों में बांट दिया गया, क्लस्टर्स में बांट दिया गया, तो आज जो क्लस्टर प्रभारी होंगे उसकी प्रमुख उनके साथ बैठक करेंगे अमित शाह। और कोंडागांव जांजगीर चांपा में चुनावी शंखनाद यानी कि चुनावी बिगुल फूकने की तैयारी और जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। चाहे वो कोंडागांव की बात कर लें, चाहे जांजगीर चांपा की बात कर लें, लोकसभा चुनाव के दौरे को लेकर अब बड़े बड़े चेहरे आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। क्योंकि ये जो तस्वीर है आज की, बेहद ही खास, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आज होने वाला है। तो थोड़ी ही देर में कोंडागांव पहुंचेंगे अमित शाह। ये रायपुर में जब वे पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया गया था। और आप देखिए कि फूल मालाओं के साथ उनके स्वागत की जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीएम, डिप्टी सीएम और शाह का चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है। रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जमीन पर काम करना है। बीजेपी क्या कुछ बेहतर जनता के लिए कर रही है और करेगी आगे, किस तरीके की योजनाएं होंगी, प्रत्येक योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और जनता तक इसकी जानकारी पहुंच पा रही है कि नहीं, किस तरीके से जनता को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना है, बीजेपी क्यों बेहतर है उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए, ये तमाम बातें, तमाम दावे जो किए जाते रहे हैं, इनकी जानकारी और बूथ में जाकर लोगों से कनेक्ट करना, आगामी योजनाओं की जानकारी देना, सरकार की बेहतर पुख्ता रणनीति की जानकारी देना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल होंगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे जांजगीर चांपा से। कैलाश कश्यप और विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो कैलाश आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि भव्य तैयारियां की गई हैं और आज शाह का दौरा, सिर्फ दौरा ही नहीं, उन सभी क्लस्टर प्रभारियों की प्रमुख बैठक, जोश भरने का काम, जिनके ऊपर महती जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बूथ स्तर तक के लोगों को जागरूक करना है। कैलाश, आपको आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे। जी, लौटेंगे आपके पास और विवेक के पास चलते हैं। विवेक, सवाल यही कि आज का दिन बहुत ही खास है कोंडागांव के लिए भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। मिशन साफ है 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का। किस तरीके की तैयारियां कोंडागांव में विवेक? जी हाँ, जिस तरीके से भाजपा ने एक मिशन बनाया हुआ है खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कि 11 से 11 पूरी 11 सीट पर जीत का दर्ज, तो आज इस तरीके से क्लस्टर को लेकर बैठक हो रही है। तीन क्लस्टर वाइज इनकी बैठक हो रही है। तो आज यहाँ पर कांकेर लोकसभा, महासमुंद लोकसभा और बस्तर लोकसभा, ये तीन लोकसभा की यहाँ पर बैठक होगी। और यहाँ पर तमाम ऐसे
पार्टी के बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक जो होगी वो बंद कमरे में होगी और इस बैठक से मीडिया को काफ़ी दूर रखा गया है और पूरी बैरिकेड्स लगा दी गए, चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बैठक की तैयारी पूरी हो चुकी, थोड़ी ही देर में अमित शाह जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद बैठक शुरू होगी और सबसे पहले यहाँ पर जो स्वागत करने वाले हैं उनकी भी संख्या तय की गई है और जो बैठक के अंदर जो हाल में बैठेंगे उनकी भी उनको भी एक तय किया गया है कि इतने लोग ही अंदर जा सकते हैं, मतलब और जो कार्यकर्ता हैं उनको बाहर रखा गया है। तो अंदर हाल में बैठक में क्या तय होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो जिस तरीके से अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे ताकि जो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो, क्योंकि एक बस्तर लोकसभा जो सीट है उस पर कांग्रेस का कब्जा है तो हर हाल में वो 11 की 11 सीट जो छत्तीसगढ़ के उस पर जीत दर्ज करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी और आज महत्वपूर्ण बैठकें अमित शाह लेने वाले हैं। विधानसभा में गूंजा साधराम यादव हत्याकांड का मामला, सीबीआई जांच की मांग की गई पर सदन में जोरदार इसको लेकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की, निलंबित किए गए कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया साधराम यादव की हत्या मामले की सही जांच नहीं की गई है, यह एक बड़ा आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी नहीं मिला। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने कल ही सदन में स्पष्ट जवाब दे दिया है। भूपेश बघेल ने कहा यह गंभीर मामला है, सीबीआई जांच की घोषणा होनी चाहिए और दोनों ही पक्षों में तीखी नोकझोंक इस दौरान देखने को मिली। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, साधराम हत्याकांड विधानसभा में गूंजा, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, यहां पर भूपेश बघेल ने कहा कि सही तरीके से जांच नहीं की गई है। जी बिल्कुल, साधराम यादव का जो हत्याकांड का मामला है, कवर्धा का मामला है, यहाँ विशेष समुदाय के दो लोगों ने मिलकर गला रेत कर साधराम यादव की हत्या कर दी थी। उसके बाद लगातार मामला गरमाया हुआ है, कवर्धा से निकलकर राजधानी और सीधे अब विधानसभा में पहुंच गया। सदन के दौरान आज हंगामा हुआ, विपक्षी दल ने इसके सीबीआई जांच की मांग की, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुद्दा उठाया, इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी विधायक थे उन्होंने इसका मुद्दा उठाया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद विधानसभा के गैलरी तक पहुंच गए, इसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निलंबित भी कर दिया और जो सभी विपक्षी दल के विधायक थे वो बाहर में विधानसभा परिसर के दौरान भी नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि इसमें सरकार ने कहा है कि जो जांच सही जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, इसमें जो आरोपी हैं उन पर जो धारा लगी है वो आतंकवादी गतिविधियों के तहत धारा लगी है, ऐसे में जांच हो रहा है। और जो गृह मंत्री विजय शर्मा है उन्होंने भी इसके जांच के जो है वो निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और देखना यह है कि ये मुद्दा कब तक गर्माता है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत ही गहनता के साथ उठाया। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो वायरल हुआ। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह गोलीबारी हुई थी और 3 नक्सलियों को गोली लगने की सूचना भी मिली है। इंद्रावती नदी के तट पर हुई थी मुठभेड़। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। जशपुर में उप सरपंच और महिला के पक्ष में महिला पंच के बीच मारपीट हो गई। आपसी विवाद में हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और ये कुछ तस्वीरें पहले आप देखिए। दोनों पक्षों ने तमाम जो मर्यादाएं हैं उनको ताक पर रखते हुए एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। कुनकुरी थाना इलाके के कंडोरा का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है जशपुर से, उप सरपंच और महिला पंच के बीच मारपीट का मामला। आपसी विवाद में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। कुनकुरी थाना इलाके के कंडोरा का यह पूरा मामला सामने आया है। तो वही कवर्धा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नागा डबरा हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी 3 लोगों की हत्या। हत्या के बाद घर में लगा दी थी आग। कुकदूर पुलिस ने
गिरफ्तार किया है। तो खबर कवर्धा से है, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नागा डबरा हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जमीन विवाद में हुई थी 3 लोगों की हत्या, हत्या के बाद घर में लगा दी थी आग। कुकदूर पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपियों को, बड़ी खबर है कवर्धा से। वहीं जशपुर में खेत में मिली महिला की लाश, महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाल चौकी का यह पूरा मामला है। तो खेत में महिला की लाश मिली है, जशपुर का पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और महिला की लाश मिलने के बाद ग्रामीण इलाके में सनसनी, और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की अब जांच की जानी है कि महिला की लाश यहां पर कैसे पहुंची, महिला कौन है, इस पर भी संशय बना हुआ है। कोरबा में 2.5 साल के बच्चे की हत्या, गला देकर बच्चे की हत्या की गई है और बहुत ही विभत्स तरीके से, प्राइवेट पार्ट जलाने की भी कोशिश। जंगल में मिली 2.5 साल के मासूम बच्चे की लाश, रामपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये तस्वीरें देखिए आप। क्या हुआ था घटना? हम लोग आए थे 10 बजे लकड़ी लेने, सवेरे सवेरे। फिर मेरे घर वाली, मेरा लड़का, मैं घर से आए हम लोग तो देख लिया उसको। फिर हम लोग चला गए घर, फिर मेरा लड़का लाला पुलिस को बताया। क्या बताया? कि लहा से जंगल में बच्चा, तो हम लोग को एकदम यह हो गया, डर में भग गया, डर में कैसा हुआ, पैसा हो गया कर। अभी खरबोरा से बस्ती से लगा हुआ एक प्लांटेशन वाला जंगल जैसा क्षेत्र है, वहाँ पे बस्ती से करीब 200 मीटर की दूरी पे एक नाबालिग बच्चा है और जिसका उम्र करीब 2 साल के आसपास होगा और अज्ञात है, उसकी शिनाख्त अभी तक हुई नहीं है। उसी संदिग्ध हालत में एक शव मिला हुआ है और इसमें अभी FSL की टीम, डॉग स्क्वाड और PM पश्चात क्लियर हो पाएगा कि इस बच्चे की मृत्यु किस प्रकार से हुई है। पढ़ाई और स्कूल लेट पहुंचने का इतना डर कि 8वीं की छात्रा ने अपने अपहरण और दुष्कर्म की झूठी FIR दर्ज करा दी। पुलिस में हड़कंप मच गया, लेकिन जब पड़ताल की गई तो कहानी झूठी निकली। मामला अंबिकापुर का है। यहां बीते दिनों गांधीनगर थाने में नाबालिग छात्रा अपने परिजनों के साथ पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने फौरन मामले की जाँच शुरू की और इस दौरान CCTV फुटेज देखा गया, जो पुलिस को बताया गया कि अपहरण के समय से आधे घंटे बाद का है। पुलिस समझ गई कि मामला झूठा है और अब छात्रा से पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी बता दी। छात्रा ने परिजनों के डर से झूठी कहानी रची थी। छात्रा ने बताया कि वो स्कूल देर से पहुंची थी और परिजनों के डर से झूठी कहानी बनाई थी। तो देखिए कि छात्रा जो कि झूठा आरोप लगा रही थी कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात हुई है, परिजन काफी डर भी गए। नाबालिग छात्रा ने FIR भी दर्ज करवा दी थी और जब जांच की गई तो इसमें उसके पूरे आरोप झूठे साबित हुए। की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जैसे ही रिपोर्ट आई पुलिस टीम सक्रिय हो गई थी और बाकी CCTV फुटेज, टेक्निकल डिटेल पे भी काम हुआ था। बाद में जब छात्रा का विस्तार से बयान लिया गया, उनके परिजन जब आ गए तो ज्ञात हुआ कि स्कूल में वो लेट हो गई थी, उसकी वजह से उन्होंने मार से बचने के लिए, मतलब अभिभावकों के मार से बचने के लिए ऐसा उन्होंने बताया था। पिंडा में किसानों ने राजस्व निरीक्षक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि मरवाही के राजस्व निरीक्षक अभिषेक त्रिपाठी रिश्वत लेते हैं और इनके खिलाफ पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने कलेक्टर और SDM से शिकायत कर राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की गई है। आप देखिए कि जो राजस्व निरीक्षक हैं, इनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा और रिश्वतखोरी के आरोप में कलेक्टर से शिकायत की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। या मेरा ये लगभग 2 साल से बंटवारा किया था मेरा भाई के साथ और उसके बाद ये बोला था कि मैं सीमांकन और नक्शा पटांकन करके दूंगा। इसके एवज में मैंने 17,000 रुपया भी दिया था उनको और आज वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। मेरे को मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, बहुत दिन से मैं उनके चक्कर लगा रहा हूँ। शिकायत आई है राजस्व निरीक्षक त्रिपाठी के विरुद्ध, उस पर जांच करके अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारी को। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।